नमस्कार दोस्तों दोस्तों इस पोस्ट में हम जानेंगे कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, उनके मंत्र क्या हैं और भोग क्या है और पूजा की विधि क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं पूजा करने का शुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त में बिल्कुल सुबह ब्रह्म मुहूर्त आपका है 4:36 AM से 5:24 AM तक, और अभिजीत मुहूर्त है 11:48 AM से 12:36 PM तक, और विजय मुहूर्त है 2:12 PM से 3 PM तक। गोधूली मुहूर्त शाम का मुहूर्त है 6 PM से 6:24 PM तक, और अमृत काल का मुहूर्त है 11:51 PM से 1:27 AM 28 सितंबर। निशिता मुहूर्त पड़ेगा आपका 11:48 PM से 12:36 AM 28 सितंबर को। दुपुष्कर योग है 6:16 AM से 2:48 AM तक 28 सितंबर। ये रहा मुहूर्त, और अब जानते हैं माता जी की प्रिय वस्तुओं के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल, कमल, श्वेत और सुगंधित पुष्प प्रिय हैं। ऐसे में नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा को गुड़हल, कमल के सफ़ेद और सुगंधित पुष्प अर्पित करें। माता ब्रह्मचारिणी का भोग, माँ दुर्गा की नवरात्रि के दूसरे दिन चीनी का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से दीर्घायु का आशीष मिलता है। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन जरूर अर्पित करें। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा इस प्रकार करें। सबसे पहले तो जब सुबह नहा धो लें, उसके बाद सबसे पहले जिन देवी देवताओं एवं गणों या योगिनियों को कलश में आमंत्रित किया है उनकी पूजा करें। उनको फूल, अक्षत, रोली, चंदन से पूजा करें उनकी। उन्हें दूध, दही, शक्कर, घृत व मधु से स्नान कराएं व देवी जी को जो कुछ भी प्रसाद अर्पित कर रहे हैं उसमें से एक अंश इन्हें भी अर्पित करें। प्रसाद के पश्चात आचमन और फिर पान सुपारी भेंट कर इनकी प्रदक्षिणा करें। कलश देवता की पूजा के पश्चात उसी प्रकार नवरात्र दस विकाल नगर देवता, ग्राम देवता की पूजा करें। इनकी पूजा के पश्चात माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। देवी की पूजा करते समय सबसे पहले हाथों में एक फूल लेकर प्रार्थना करें। प्रार्थना मंत्र लिखा हुआ है। प्रार्थना करने के पश्चात देवी को पंचामृत स्नान कराएं और फिर भांति भांति के से फूल अर्पित करें। अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें देवी को, और फूल का फूल एक लाल रंग का विशेष फूल होता है, वह कमल काफ़ी पसंद है, उसकी माला माता जी को पहनाएं। प्रसाद और आचमन के पश्चात पान सुपारी भेंट कर माता की प्रदक्षिणा करें और घी व कपूर मिलाकर देवी जी की आरती करें।
सबसे अंत में माता जी से मंत्र के द्वारा क्षमा करें। क्षमा मंत्र इस प्रकार है, अवाहनम नजनामि वर्षजनम पूजा स्तैव नजनामि क्षमस्य परमेश्वरी। यदि आप मंत्र का उच्चारण नहीं कर पाए तो केवल माँ से अपनी भूल चूक की क्षमा मांग लें। नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी माता की विधिवत पूजा करें। इसके साथ ही इन मंत्रों का जाप करें। सारे मंत्र यहाँ पे दिए हुए हैं। आगे माता जी का ध्यान मंत्र भी है। मंत्र को कायदे से देखें और सही उच्चारण के साथ माता जी के मंत्रों का जाप करें। दोस्तों अब आपसे विदा लेते हैं। बहुत अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नवरात्रि के दूसरे दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। माता जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे।